माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के निर्देशानुसार शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खुजनेर में हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा संचालित की जा रही है। परीक्षा केंद्र अध्यक्ष श्रीमती सुशीला शर्मा एवं केंद्र उपाध्यक्ष ओपी नामदेव ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी बीएस बिसोरिया द्वारा परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया गया। केंद्र पर की गई व्यवस्थाओं से वे संतुष्ट नजर आए। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र पर विशेष व्यवस्था की गई। स्वास्थ्य विभाग एवं संस्था द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइज, सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सर, आपका परिचय? मैं ओपी नामदेव उच्च माध्यमिक शिक्षक हूँ, वर्तमान में यहाँ पे सहायक केंद्र अध्यक्ष के रूप में। जी, आज जो एग्ज़ाम चल रही है इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम है, 136 बच्चे यहाँ सम्मिलित होना थे, उसमें से 134 बच्चे यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं, जो बच्चे एबसेंट हैं और नियमानुसार परीक्षा संचालित है। COVID-19 को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए लगभग 6 फीट की दूरी पर बच्चों को बिठाया हुआ है। बच्चों का हैंड वॉश किया जा रहा है? बिल्कुल, मॉर्निंग में जब वो आते हैं तो पहले उनकी स्क्रीनिंग की जाती है गेट पे, उसके बाद हैंड वॉश किया जाता है, उसके बाद फिर रूम में उनको बिठाया जाता है। इसके लिए हम 1 घंटे पूर्व भी उनको बुलाते हैं, 8 बजे से इस कार्य को शुरू करते हैं। जी सर, थैंक्स। वेलकम मैम, आपका परिचय? मैं सुशीला शर्मा, बालक हाई सेकेंडरी स्कूल खुजनेर में केंद्र अध्यक्ष हूँ अभी वर्तमान में। जी, यहाँ पे जो एग्ज़ाम चल रही है इसमें आप सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम किए हैं आपने? हम लोगों ने जब शुरू में बच्चे आते हैं जी, चूँकि आपको मालूम है कोरोना महामारी चल रही है, उसके तहत शासन के निर्देशानुसार हम लोगों ने बच्चों को ही थर्मल स्कैनिंग की है, सैनिटाइजेशन करवाया गया है विद्यालय में, बच्चों को भी किया है और मास्क का विशेष ध्यान रखे बच्चे, ये भी उनको निर्देशित किया गया है और उसका पूर्णतः पालन भी किया जा रहा है। और बच्चे बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग में बिठाए गए हैं, कहीं कोई आपको उसमें ऐसे वो नहीं दिखेगी कि अनुशासन में व्यवस्थित किया गया है। साथ ही हम लोगों ने बच्चों की सर्चिंग भी की गई है और सर्चिंग करते समय ध्यान दिया गया है कि जो भी पर्यवेक्षक सर्चिंग करता है तो सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, सैनिटाइज करके ही उसको सर्चिंग करें। जो एग्ज़ाम यहाँ चल रही है 2 पारी में चल रही है? जी, 2 पारियों में थी, लेकिन प्रारंभ में जब 9 तारीख को एग्ज़ाम प्रारंभ हुआ था उसी दिन 2 पारी में थी, बाकी 1 ही पारी में चल रही है। परीक्षा कक्षों को सैनिटाइज किया जाता है? हर डे हम लोग सैनिटाइज करा रहे हैं, मॉर्निंग में आके बाकायदा सैनिटाइजेशन होता है, उसके बाद में हम छात्रों को प्रवेश देते हैं। यहाँ पर निरीक्षण के लिए कोई अधिकारी पधारे? जी, अभी कुछ ही समय पहले 5 मिनट समय ही जिला शिक्षा अधिकारी महोदय पधारे थे और उन्होंने यहाँ पर मॉनिटरिंग की और उनका निरीक्षण पत्रक भी हमारे पास है, संतुष्टपूर्ण पाया गया। आज जो एग्ज़ाम है इसमें कुल कितने बच्चे बैठे हैं? जी, आज 136 बच्चे हैं, जिसमें से 2 एबसेंट है और 134 प्रेजेंट। जी मैम, थैंक्स। राजगढ़ से मुकेश अहिरवार की रिपोर्ट।